ऊंट भी नाल ले लिया ते बकरियां दा रेवड़ भी नाल ले लिया। घर पहुंचे आप बिन मालक दरवाजा खटखटाया, बाप आंदे ए आवाज ते ऑफ दी है। मां कहन लगी क्यों इंज कर दे ओ ऑफ ते जेल अंदर है, पुत्र जेल अंदर है दरवाजे ते किवें आ गया। दोबारा आवाज आई, मां बाप दौड़ के दरवाजे ते गए, वेख्या ऑफ बिन मालक दरवाजे ते खड़े ने, ऊंट भी कोले बकरियां दा रेवड़ भी कोले। बेटा जेल दे अंदरों आया, ऊंट कित्थों आया, बकरियां किवें लेके आया। सारी बात सुनाई ते बाप भी ते अल्लाह दे नबी दे मनन वाला, बाप भी ते नबी दा दीवाना नबी दा परवाना है। कहन लगा ऑफ उदों तक ऊंट ते बकरियां घर नहीं दाखल होणगियां जदों तक नबी पाक कोलों ना पूछ लिया जाए। इत्थे बेटा गड्डी लेके आ जाए, बाप सवाल नहीं करदा, पुत्र कित्थों कमाए ते किवें लेके आया। बेटा जनाब पैसे लेके आए, बाप सवाल नहीं करदा। बेटा चोरी ते नहीं करके आया, डाका ते नहीं मार के आया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। ऐसे ऐसे वालदैन वेखे ने, बाप बेटा पैसे लेके आया, बाप खुश हो जांदा है मेरा पुत्र रुपये लेके आया। रोटियां चर रही, बकरे चर गए चर रहे, उदो ही पता चलता है जो दरवाजे ते आके पुलिस खलो जांदी है। फरमाते ने ऑफ उदो तक घर नहीं वड़ेगा माल जो तक नबी पाक कोलों ना पूछ लिया जाए। गए दोनों जाके बाप बेटा, नबी पाक नु सारी बात सुनाई है ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने, आका अली सलाम फरमांदे ने, वा मैयत तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकु मिन हैसु ला यहतसिब व मैयत तवक्कल अलल्लाह। जेड़े बंदे अल्लाह ते तवक्कल अल्लाह ते भरोसा करदे ने, अल्लाह उहनां नू मुसीबत चो वी निकाल दिंदा है, कैद चो वी निकाल दिंदा है, अल्लाह उहनां नू माल वी अता कर छड़दा है। फरमाया माल अल्लाह दी तरफ मिले है तुहाडे ते हलाल है। अलहम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनु ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا
ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا میری بھی بگڑی بنا دے اے سب کی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے اے سب کی بنانے والے مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطا کرنے والے میں گناہگار صحیح میں گناہگار صحیح پر ہوں تو فقط تیرا میری اس بات سے واقف ہے زمانے والے پر ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے کیا عجب ہے کہ تیرا کھا کے بھی غرانے والے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیو محسن بزرگو اور دوستو قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں اج پورے معاشرے اندر اگر نظر دوڑائی جائے ویکھیا جائے
तो हर इंसान रिजक की वजह नाल परेशान नजर आता है। हर आदमी रिजक की तलाश अंदर मारा मारा फिरदा नजर आ रहा है। कोई इंसान इस रिजक नू हासिल करन वास्ते बिरौन ममालक का सफर करता है, कोई इस रिजक की तलाश अंदर सारा सारा दिन मेहनत और मजदूरी करता नजर आता है। इस बात के अंदर कोई शको शुबा नहीं कि इंसान की किस्मत अंदर जो अल्लाह ने रिजक लिख दिता है वह इंसान को मिल के रहेगा। और अगर कुरान पाक का बगौर मुताला किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू ये बात समझाई है कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैं जिन्ना और इंसाना नू सिर्फ अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। रिजक दा जिम्मा अल्लाह ने खुद उठाया, लेकिन इंसान इस बात नू भूल गया, इस बात तो हट गया और इना सोचा अंदर मुबतला हो गया कि अगर अल्लाह की इबादत करते रहे तो रोटी कितों खावा। जो वादा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया सी इंसान ओदे पिछे दौड़ पे, और जिस मकसद लई अल्लाह ने इंसान नू पैदा किया सी वो मकसद इंसान भूल गए। रिजक दा जिम्मा, और कदी गौर किया जे कि दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारदिया होया सब नालो ज्यादा बंदे नाल मुहब्बत ओदी मां और बाप करदे ने, सब नालो बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने वालदैन दा बनाया। इस दे बावजूद अल्लाह ने राजक मां नू बनाया, अल्लाह ने राजक बाप नू बनाया नहीं। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक, इस कायनात के अंदर सिर्फ मैं अल्लाह ही राजक हाँ, राजक ही नहीं बल्कि रज़्ज़ाक। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक, बेशक कायनात के लोगों नू बल्कि चिरिंद परिंद इंसान जिन सारे आदे रिजक दा जिम्मा अल्लाह फरमाते ने मैं अपने जिम्मे ले। और हर बंदे का यह अकीदा, हर बंदा यह अकीदा बयान भी करता, जो बंदी होए बरेलवी होए अहले हदीस होए कोई मालकी होए शाफी होए हंबली होए रिजवी होए सोहरवर्दी होए, हर मुसलमान जिस किस्म की भी निस्बत रखता होए, लेकिन जो मस्जिद अंदर आके अल्लाह अकबर कह के नमाज नीत है ते पढ़ता कि ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया दे किसे भी आलमे दीन का तर्जमा तफसीर किसे मसलक का तर्जमा और तफसीर उठाइए, कोई कुरान पाक उठाइए तो जो पढ़ोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तर्जमा यह बनेगा कि सारिया तारीफा उस खालिक वास्ते जेड़ा सारे जहाना नू पालन वाले, यही तर्जमा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के वो अल्लाह ही है जेड़ा समंदरां दे अंधेरे अंदर मछलियां दे खाने का बंदोबस्त कर दे, वो अल्लाह ही है जो हवावां दे अंदर उड़ने वाले परिंदियां दे रिजक दा बंदोबस्त कर दे, वो अल्लाह ही है जेड़ा जमीन ते रिंगने वाले कीड़ियां दे रिजक दा भी बंदोबस्त कर दे। इन अल्लाह हुवर
रज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अकीदा दे सारे आदा ही है कि सारे कायनात सारे जहाना नू पालन वाला कौन है। नमाज अंदर पढ़ते हैं, जनाजे अंदर पढ़ते हैं, नफल सुन्नत अंदर पढ़ते हैं, लेकिन फिर इस अकीदे तो मस्जिद चो निकलते ही भूल जाने हैं कि राजी कौन है अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर इंसान की समझ अंदर ये नुकता आ जाए, नहीं तो मतलब ये नहीं कि बंदा वेला घर बैठ जाए, नहीं, बंदा असबाब अल्लाह पैदा करता है, कोशिश तू करनी है, अल्लाह कदी तेरी कोशिश नू जाया करेगा नहीं। अल्लाह कदी भी अपने बंदे नू भुखिया सौन दिंदा नहीं। इन अल्लाह हुवर रज़ाक ये अलग बात है, अल्लाह किसे नू इतना दे दिंदा है कि सांभिया ही नहीं जांदा। दो सके भरा एक कोल इतना माल है के सांपे ही नहीं जांदा, और एक ओ है के जेड़ा दो वक्त दी रोटी भी जेनू मुयसर आंदी, ए निजामे कायनात है। लेकिन राजिक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह तो इलावा दुनिया दे अंदर कोई किसे नू रिजक दे सकदा नहीं। रिजक दे कारखाने, रिजक दिया चापियां सिर्फ मेरे अल्लाह दे कोल ने। इंशाअल्लाह रहमान आज दे इस अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं तुसा हजरात दे सामने रिजक दे चांद ऐसे असबाब कुरान और सुन्नत जो पेश करना चाहना कि जेड़े आमाल करन दी वजह नाल अल्लाह बंदे दे रिजक अंदर इजाफा फरमा दिंदा है। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू कुरान और सुन्नत नू समझ के सही मायने नाल अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। आइए जरा कुरान पाक समाअत फरमाना, अल्लाह साडे दिलां नू कुरान पाक दे नूर नाल मुनव्वर फरमाए। 12वां सिपारा पहली आयत मुबारक अल्लाह फरमांदे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दियो, फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तकर्राहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन व यअलमु मुस्तकर्राहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमांदे ने वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज, फरमाया दुनिया दे इस जमीन दे उते जितने कीड़े मकोड़े ने इस दुनिया दे अंदर चींटी नू भी रिजक मैं रब दिंदा है, इस दुनिया दे अंदर उड़न वाले परिंदियां नू भी रिजक मैं दिंदा है, इस दुनिया दे अंदर समंदरां दे अंदर बसने वालियां मछलियां नू भी रिजक मैं रब दिंदा है, इस दुनिया दे अंदर सप्पां नू भी रिजक मैं दिंदा है, गो नू भी रिजक मैं दिंदा है, जनाब कछुआ नू भी रिजक मैं दिंदा है, डड्डुआ नू भी रिजक मैं दिंदा है। वमा मिन दाबतिन इल्ला फिल अर्ज, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अलल्लाह। फरमाया इना जानवरां दियां फैक्ट्रियां कोई नहीं, इना जानवरां दियां मिल्लां कोई नहीं, इना जनाब नौकरियां कोई नहीं, ए कोई वापटा च मुलाजम कोई नहीं, इना चो कोई टीचर नहीं लगे आ, इना चो कोई मिल दे अंदर जॉब नहीं करदा, इना दे विचो कोई मजदूरियां नहीं करदा। फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ी इल्ला अलल्लाह ही रिज़्कुहा, फरमाया मैं इना दे रिज़क दा बंदोबस्त कर दवां। अल्लाह सोणिया
ਇਹ ਬਾਤ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਯਾਲਮੁ ਮੁਸਤਕਰਹਾ ਵਾ ਮੁਸਤਉਦਾਹਾ ਕੁੱਲੁਨ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿਨ ਮੁਬੀਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਸਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਸਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬੋਲੇ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਉਲੂਹੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤਤਮਾਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ ਅੱਲਾ ਕਲਬ ਦੇ ਇਤਮਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਈਨਲ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਏ ਪਲ ਕੀ ਇਤਮਨਾਨ ਕਲਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਲਾ ਯਾਸਾਜ ਵਮਾ ਤਿਲਕਾ ਬਿਯਮੀਨਿਕਾ ਯਾ ਮੂਸਾ ਕਾਲਾ ਯਾਸਾਜ ਅਤਵੱਕਉ ਅਲੈਹਾ ਵਅਹੁਸ਼ੁ ਬਿਹਾ ਅਲਾ ਨਾਮੀ ਵਲੀਆ ਫੀਹਾ ਮਾਰਿਬ ਉਖਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਕੀ ਏ ਅੱਲਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸੋਟਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਡਾਂਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਇਸ ਡਾਂਗ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤਾ ਵਕਾਉ ਅਲੈਹਾ ਅਹੁਸ਼ੁ ਬਿਹਾ ਅਲਾ ਗਨਮੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਸ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਇਸ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਜਨਾਬ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਏ ਇਸੇ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਏ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਏ ਸੱਤ ਦਫਾ ਮਾਰਿਆ ਏ ਜਨਾਬ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੈਵਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਮੂਸਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਂਦੇ ਯਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਅੱਲਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਲ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਰਾਜ਼ਕ ਨੂੰ ਇਨੱਲਾ ਹੋਰ ਰਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਵਜੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਲਹੂ ਮਕਾਲੀਦੁ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਜ਼ ਲੋਗੋ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ
चाबियां अल्लाह कोल, औलाद दियां चाबियां अल्लाह कोल, धियां दियां चाबियां अल्लाह कोल, पुत्रां दियां चाबियां अल्लाह कोल, रिज़क दियां चाबियां अल्लाह कोल, कारोबार दियां चाबियां अल्लाह कोल, सारी कायनात दियां चाबियां रखण वाला ओ कल्ला ही अल्लाह है। उस अल्लाह दे पीछे जनाब उस अल्लाह दी इबादत अंदर मशगूल तुसी हो जाओ, रिज़क दे खजाने और रब खोल छड़ेगा। फरमाया अल्लाह दी जात, अल्लाह दी जात, वल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ओ अल्लाह ये जेड़ा सारिआं नूं रिज़क दिंदा, ओ अल्लाह ये जेड़ा सारिआं नूं जिंदा करदा, ओ अल्लाह ये जेड़ा सारिआं नूं मुर्दा करन ते कादर है, मारन वाला कौन है, जिंदा करण वाला कौन, वतु इज्जु मन तशाउ वतु जिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, इज्जतां ते जिल्लतां दा मालिक अल्लाह, या अबु लिमन यशाउ इनासा व या अबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। रात अकीदा समझिए, अकीदा बनाइए कि सारी कायनात दा खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, रासिक भी अल्लाह, दाता भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, गंज बख्श भी अल्लाह, गंज बख्श भी अल्लाह। इस पासे तुर जावा ते रब दी तौहीद खत्म हो सकदी। उड़दियां परिंदियां नूं बाज खांदे जे ए कीड़े ते पतंगे चूजे चुगी जांदे जे, उड़दे परिंदियां नूं बाज खांदे जे ए कीड़े ते पतंगे चूजे चुगी जांदे जे, चूहे खुडो निकल के पै दौड़ लांदे जे, पर बिल्ली भी बैठी बेच गाते उस दे, कोई जिथे होवे उथे ही खुराक उस दी, लिख चुके आ रब जो बरात उस दी। रात इंसान नू अकीदा बनाना चाहिए, हर चीज नू देन वाला अल्लाह है, हर जगह ते देन वाला अल्लाह है। परमादे ने सब दे नहीं पैर वेखो जाता पाजदाई, साफ दे नी पैर वेखो जांदा पाजदाई, मछली दी नहीं जेब वेखो पेट रजदाई, मच्छर दे नी दंद वेखो चक वड़दाई, मच्छर दे नी दंद वेखो चक वड़दाई, कुदरत कमाल पाक जात उस दी, इंसान ते हैवान ओदाए खाके पल दे, इंसान ते हैवान ओदाए खाके पल दे, हवा बेच उड़ दे जमीन ते चल दे, इंसान ते हैवान ओदाए खाके पल दे, हवा बेच उड़ दे जमीन ते चल दे, पानी दे वसिंदे वखो वख शकलां, गिनती तो बार दंग रहन अकलां, पानिया दे विच मखलूक पल दी, बिना हत्था पैरा मच्छी तेज नस दी, गो सप साने आए वे गो सप साने आए, जमीन लब लई रैन लई रहैशी तसकीन लब लई। बारिशां दा मौसम है, कीड़े मकोड़े किथे रहिंदे ने, उन्हां दी रहैश दा बंदोबस्त लैंटरां आले मकान कौन दिंदा है,
अल्लाह ताला दिंदे गो सप सानिया जमीन लब लई रहन लई रहैशी तस्कीन लब लई लकड़ां विच गुण ते सवेक पल दी लकड़ां विच गुण ते सवेक पल दी केड़ी जात उथे दाना पानी कल दी लकड़ां विच गुण ते सवेक पल दी केड़ी जात उथे दाना पानी कल दी हजरात की जात तबारक लजी पिया दी हिल मुल्क वहू अला कुल्ली शैर कदी अल्लाह तो इलावा कोई रिजक देन ते कादर है। ईमान बनाइए हुण आइए तवज्जो करना अल्लाह दे कुरान ने ते नबी पाक सल्लम दे फरामीन जो चांदो बातां तुहाडे अगे अर्ज कर जावां के जिन्हां दी वजह नाल अल्लाह बंदे दे रिजक अंदर इजाफा फरमांदे ने। परेशान है ना हर बंदा के रोटी नहीं लभ रही, गुरबत दिन ब दिन वधदी जा रही है, परेशानियां ही परेशानियां, हालात तंग हुंदे नजर आ रहे। हजरात आइए इन हालात के अंदर जेड़े काम कुरान ने दसे नबी पाक ने दसे उना कम्मा ते अमल तू कर ले तेरे रिजक अंदर इजाफा रब कर छड़ेगा। अल्लाह दा कुरान झूठ ते नहीं ना बोलदा। ओ बोलो नबी पाक सल्लम ने जेड़ियां गल्लां आखियां ओ झूठा किया रे? नहीं, नबी पाक ते उदों तक बोलते ही नहीं जदों तक रब दी वही ना आ जाए। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। आइए तवज्जो करना रिजक दियां कुंजियां मैं दे चलना है, इना चाबियां नू इस्तेमाल तुसी कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह रिजक अंदर इजाफे कर छड़ेगा। ताला खोलना तुहाडा काम है, कुंजी मैं अल्लाह दे कुरान चो ते नबी पाक दे फरमान चो दे चलना है। रात पहला काम की करना है जेदी वजह नाल रिजक अंदर इजाफा हो जाए। आइए जरा नबी पाक दा नबी पाक दी हदीस सुनना है, नबी पाक दा फरमान सुना तीसे पाक दे अल्फाज। फरमाया अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्नहु हद्दसहु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लाजिम अल इस्तगफार जालल्लाहु लहु मिन कुल्ली ज़िक्रि मखराजा व मिन कुल्ली हम्मिन फराजा जेड़ा बंदा इस्तगफार लाजम कर लेंदा है, जेड़ा बंदा अल्लाह को अपने गुनाहों दियां माफियां मंगदा रहिंदा है हमेशा गुनाह हो गया ते उदे उत्ते पक्का नहीं हुंदा है बल्कि शर्मिंदा होके रब दे दरबार अंदर आके माफियां मांग लेंदा है। फरमाया इस्तगफार करने वाले बंदे ते अल्लाह ने जो इनाम कीते ने उना चो पहला इनाम ए है कि अल्लाह इस बंदे नू तंगी चो निकलन दे रस्ते अता कर दिंदा है। इस्तगफार करो परेशानियां तंगियां मुसीबतां चो निकलने दा अल्लाह रस्ता दे छड़ दे। कदी कदी बैठे परेशान हुंदे आ ना कि कारोबार अंदर अगर आ नुकसान हो रहा है किंज हो रहा है बंदा सोच रहा है कोई रस्ता नहीं निकल रहा
फरमाया इस्तगफार तुसी कर लो, इना तंगियां चो निकलने दा रस्ता मैं रब दे छड़ांगा। ते जेड़ा बंदा इस्तगफार करदा है, नबी पाक सल्लम ने फरमाया है जेड़ा बंदा इस्तगफार नू लाजम पकड़ लेंदा है तुरदियां फिरदियां है अस्तगफिरुल्ला अस्तगफिरुल्ला पढ़ता जांदा है। आका अली सलाम फरमांदे ने इस बंदे नू अल्लाह हर गम तो निजात दे छड़ हर गम तो निजात मिल सकती है अगर बंदा इस्तगफार नू लाजिम पकड़ ले। और मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस्तगफार करदा है अल्लाह इस्तगफार दी वजह नाल उस बंदे नू ओथों रिज़क दिंदे ने जिथों बंदे नू तवक्को भी हुंदी सोचिया भी नहीं हुंदा। अल्लाह ओथों ओथों रिज़क दिंदा है बंदा सोच भी नहीं सकता, लेकिन करना की होएगा, करना होएगा कि रब कोलो गुनाहां दियां माफियां मंगनियां होणगियां, रब दे सामने इस्तगफार करनी होएगी। हज़रात आइए अलामा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां कोलों किसे बंदे ने आके कहत साली दा जनाब शिकवा कीता। एक आया कह लगा जनाब हसन बसरी साहब कहत बहुत ज्यादा रिजक दी कमी है। दूसरा आया आन के कह लगा है जनाब मेनू कोई दसो मैं मुहताज आदमी है इस मुहताजी चो किवें मेनू निजात मिल सकती है। तीसरा आया आके कह लगा है मेरे कोल औलाद कोई नहीं मेनू कोई वजीफा दस दियो मेनू कोई नुस्खा दे दियो कि अल्लाह औलाद दे छड़े। एक रिजक दी तंगी वाला है एक गमा वाला है एक बे औलाद आया है ते मौलाना ने सारियां नू यही आखिया है सारियां दे सामने ये आयत पढ़िए ते नाले फरमांदे ने इस्तगफार करिया करो अल्लाह कोलों गुनाहां दियां माफियां मंगिया करो। पुछन वाले पुछिया ऐ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बंदे तीन आए सवाल तीन आए मुतालबे तीन आए परेशानियां अलग अलग नुस्खा सारियां नू एक दिता के इस्तगफार करोगे रिजक कुशादम हो जाएगा इस्तगफार करोगे परेशानियां तो निजात मिल जाएगी इस्तगफार करोगे अल्लाह औलाद दे छड़ेगा। वजह की है ते मौलाना कुरान पढ़ते ने फरमाते ने फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा युरसिलिस समा अलैकुम फरमांदे ने कुरान नहीं जे पढ़िया अल्लाह फरमांदे ने फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा। जेड़े लोग मेरे कोलो माफियां मंगदे ने जेड़े लोग मेरे कोलो इस्तगफार करदे ने जेड़े लोग मेरे कोलो तौबा करदे ने फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। जदों ए तौबा करदे ने मैं अल्लाह आसमान तो रहमत दी बारिश नाजल कर दिंदा वा ए पता जे ना बारिश ना होण जिमीदारा नू पुछो ना है आज जड़ी बारिश हो रही है जिमीदार आंदे ने एते खाद दा काम कर रही है और लेकिन यारो जेड़ा रब इस मौके ते बारिश दे सकदा है जदों जरूरत है और रब इस बात ते भी कादर है कि तेरे गुनाहां तो मुतनफर हो के तेरियां बुराइयां नू वेख के तेरी बेहयाई नू वेख के अल्लाह उदों भी मीं पा छड़दा जदों कणकां पक्कियां हुंदियां ने
बारिशां दी जरूरत कोई नहीं, अल्लाह उस वेले भी पान ते कादर है। अल्लाह फरमांदे ने फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा, मेरे कोलो तौबा तुसी कर लो, इस्तगफार तुसी कर लो, मैं अल्लाह आसमान तो बारिशां नाज़िल फरमावांगा। फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया तौबा तुसी कर लो, मैं माल भी दे छड़ांगा ते औलाद भी, माल दी फरावानी भी हो सकती है, औलाद भी हो सकती है। करना की है इस्तगफार, फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफारा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, बोलो रजी अल्लाह तआला, बारिश नहीं हो रही, लोग इकट्ठे हो गए, अमीरुल मोमिनीन निकलिए बाहर चलिए बारिश वास्ते दुआ कीजिए। हजरत उमर दोस्तों नु लेके बाहर निकले, लेकिन उमर ने दुआ कोई नहीं की, इस्तगफार की, वापस आ गए। लोग कहने लगे उमर अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु गए थे बारिश वास्ते, दुआ कोई नहीं की, वापस आ गए हो। फरमाया मैं इस्तगफार कर लिए, मैं ऐसे जुमले पढ़ ले के जिना जाके रब दा दरवाजा खटखटा दीते है, इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी, क्योंकि रब ने फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा। जदों बंदे मेरे कोलो इस्तगफार करदे ने, मैं रब अपने आसमाना दे मुंह खोल दिना, बारिश भी आ जाती है, रिजक भी मिल जाता है। शर्त यह है कि गुनाहों तो माफी मंगनी होएगी। पहली चाबी रिजक दा ताला खोलन वास्ते कि इस्तगफार कीजिए, आइए आगे बढ़िए। दूसरी चाबी दे मैं जावा कोशिश करके रिजक दा ताला तुसां खोलना जे। दूसरी चाबी की है, मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं नबी पाक सल्लम दी ज़बान नबुव्वत जो सुने आए। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने अल्लाह ते तवक्कल भरोसा इंज करो जिमें परिंदे करदे ने। नबी पाक सल्लम ने फरमाया चिड़ियां तोते शेरगा जनाब परिंदे चीलां ते बाग सुबह घरों निकलते ने, इन्हां दियां मिलां कोई नहीं, फैक्ट्रियां कोई नहीं, इन्हां दे कारखाने कोई नहीं, इन्हां दी जॉब कोई नहीं, दुकान कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने मेरा जिक्र करते ने ते निकल जाते ने रे रिजक दी तलाश अंदर, मेरे ते तवक्कल मेरे ते भरोसा करते निकल जाते ने। फरमाया जदों ये निकलते ने ते मैं अल्लाह इन्हां नू खाली वापस नहीं जे बेजदार, खुद भी खा के आंदे बच्चियां वास्ते भी लेके आंदे। फरमाया तवक्कल इंज करो जिवें परिंदे अल्लाह ते तवक्कल ते भरोसा करदे ने। असी नमाज ते पढ़दे आं विच पढ़ भी लैंदे आं अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तारीफां तेरियां हमदा सलामां तेरियां, क्योंकि अल्लाह तू सारे जहाना दा पालनहार है। असी ये पढ़ भी लेने ते मुड़ के जाके कदी किस दरबार ते मत्था टेप छड़े आजे, कदी किस पीर दे पीछे, कदी किस हस्ती दे पीछे। असी ये ते रब
दिया तरीफा कर दिया ते बाहर निकल के आने आए जनाब मेरा कारोबार ते फलां दी वजह नाल चल रहा है जेड़ा मैनु रिजक मिले है फलां दी वजह नाल मिले है अल्लाह की कसम ऐसे बंदे वेखे मेरे शहर मेरे मुहल्ले दा लड़का है सारी जिंदगी रब ने कारोबार दिता है ते बहुत सोना दिता है ते कहंदा है आ सारियां बहारां लगियां ते बाबे मस्तां दी वजह नाल लगियां ने रिजक मिले है ते बाबे मस्तां दी वजह नाल औलाद मिली है ते बाबे मस्तां दी वजह नाल अल्लाह ने बड़ा ही पैसा दिता है चल के घरों पैदल नंगे पैर बाबे मस्तां दे पूरी फैमिली जांदी लेकिन अल्लाह दी कसम अज ओ दिन भी आ गए कि एक एक टके तो तरस रहे ने एक एक रुपए तो तरस रहे एक एक पैसे तो तरस रहे दिल ते बड़ा करदा है पूछा यार ओ बाबे मस्त किथे चले गए जिन्हां तेनूं करोड़ां दा कारोबार दिता जिन्हां औलाद दिती जिन्हां भैणां दीआं शादियां कीतीआं अज ओ बाबे मस्त तेनूं छड़ गए ने लेकिन यारो ओ रब किसे नूं नहीं जे छड़दा रब अपणिआं नूं वी दिंदा है ते बेगानिआं नूं वी दिंदा है रब इबादत गुजारां नूं वी दिंदा है ते बेनमाजां नूं वी दिंदा है अल्लाह रोजेदारां नूं वी दिंदा है ते बगैर रोजेदारां नूं वी दित्ती जा रही है अल्लाह परिंदियां नूं वी दिंदा दरिंदियां नूं वी दिंदा अल्लाह सप्पां नूं वी दिंदा ठूयां नूं वी दित्ती जा रही है ओ अल्लाह सारियां दा रज़क है रात अकीदा बना लो अकीदा बना लो अल्लाह दी कसम है मैं बुजुर्गां दा ताबेदार हां अली हजवेरी लाहौर अंदर ने काश जिंदा होके मेरे कोल आउंदे मैं बाबा जियां दियां खिदमतां करदा मैं रोटियां पका के खिलांदा मैं बाबा जी कोलों दुआवां लैंदा लेकिन अल्लाह दी कसम मेरा अकीदा है बाबा जी अजमत वाले होणगे शान वाले होणगे मुकाम वाले होणगे लेकिन रिजक देण वाला अली हजवेरी नहीं मेरा अल्लाह है रिजक देण वाला बाबा फरीद नहीं मेरा अल्लाह है औलादां देण वालियां किकरां नहीं बेरियां नहीं मेरा अल्लाह है अल्लाह चावे ते पुत्रां दियां जनाब ढेर ला देवे अल्लाह चावे ते तियां ही तियां दे छड़े अल्लाह चावे ते दे के बुला लवे मैं दस रहा सी आजी साहब नूं मेरा मामू जात बे भाई है अल्लाह ने सबर भी दिता तौहीद दी समझ भी दिती है अल्लाह ने पुत्र दिता बुला लिया फिर पुत्र दिता बुला लिया तीजी वारी पुत्र दिता मां बुला ली बेटा जिंदा है फिर शादी हुई फिर बेटा दिता कल फौत हो गया यार मर्जियां मेरे अल्लाह दियां अगर अल्लाह दी रजा ते राजी रहो मैं उस अपने भाई नूं वेखिया इतना साबर मेरा भाई जुबान ते इन्ना लिल्लाही तो इलावा कोई जुमले नहीं अल्लाह मैं तेरी रजा ते राजी हां अल्लाह मेरे उस वीर नूं अच्छा नेमुल बदला ता कर दे फरमाया लोगो रज़क अल्लाह अकीदा बना लो परेशानियां दूर हो जानगियां फरमाया तवक्कल अल्लाह ते कर लो ओ मैयता किल्लाह यज अल्लाहु मखरजा व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब व मैयता तवक्कल अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने ओ मैयता किल्लाह यज अल्लाहु मखरजा जेड़ा बंदा मेरे ते तवक्कल कर लेंदा है जेड़ा बंदा मेरे ते भरोसा कर लेंदा है मैं उस बंदे नूं उथों उथों रिजक दिंदा वा जिथों ओहदा तसव्वुर भी कोई नहीं हुंदा ओ मैयता किल्लाह यज अल्लाहु मखरजा व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब व मैयता तवक्कल अल्लाह व मैयता तवक्कल अल्लाह व मैयता तवक्कल अल्लाह तवक्कल अल्लाह ते भरोसा अल्लाह ते करना होएगा हजरात जदों अल्लाह ते भरोसा करोगे अल्लाह मुसीबत चो निकलने दे रस्ते कढ देगा अल्लाह रिजक दे छड़ेगा तवज्जो करना हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नो
नबी पाक दे सहाबी ने ते काफरां दी कैद अंदर है ते ऑफिन मालक दा बाप परेशान है मां परेशान है बाप रोज नबी पाक कोल आ जांदा है अल्लाह ते नबी जी मेरा पुत्र काफरां दी कैद अंदर है सोने नबी जी बड़ी तकलीफ अंदर है बड़ी परेशानी अंदर है सोने रब कोलों दुआ कर दियो अल्लाह मेरे पुत्र नो रिहाई नसीब कर छटे पता जे ना जिन्हां दे पुत्र जेलां अंदर हुंदे ने मैं कहना गुनाहगार ते गुनाहगार सही अल्लाह दी कसम मावां दे दिल पिस जांदे ने बाप परेशान रहिंदा है हजरत औपिन मालक फरमांदे ने सोणिया मेरा बेटा जेल दे अंदर दुआ कर दियो मेरे आका फरमांदे ने सबर करो अल्लाह सबर दा बदला देगा एक दिन आके आंदे ने सोणिया हुण ते औफ दी मां रो रो के पास हो गई है महबूबा कोई नुस्खा ही दस दियो कोई वजीफा ही दस दियो फरमाया जाओ अगर पैगाम औफ तक पहुंचा सकदे हो ते ओनू जाके आखो पढ़िया करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला अल्लाह रिहाई नसीब कर छड़ेगा हजरत औफ बिन मालक फरमांदे ने वजीफा मेरे तक पहुंचे है मैं पढ़ना शुरू कर दिना वा एक दिन रात नू बैठिया बैठिया घड़ियां खुल गईया हाथ घड़ियां खुल गईया ते मैं उठ के तुर पिया इंजे बाहर निकलिया जेल दे अंदरों दरवाजे दे अंदरों बाहर काफरां दा ऊंट बनिया लब गया ऊंट ते बैठा ते उन्हां दा अगे बकरियां दा रेवड़ लब गया मैं ऊंट भी नाल लै लिया ते बकरियां दा रेवड़ भी नाल लै लिया घर पहुंचे आप बिन मालक दरवाजा खटखटाया बाप आंदा ए आवाज ते ऑफ दी है मां कहन लगी क्यों इंज करदे ओ ऑफ ते जेल अंदर है पुत्र जेल अंदर है दरवाजे ते किवें आ गया दोबारा आवाज आई मां बाप दौड़ के दरवाजे ते गए वेख्या ऑफ बिन मालक दरवाजे ते खड़े ने ऊंट भी कोले बकरियां दा रेवड़ भी कोले बेटा जेल दे अंदरों आया ऊंट कित्थों आया बकरियां किवें लेके आया सारी बात सुनाई ते बाप भी ते अल्लाह दे नबी दे मनन वाला बाप भी ते नबी दा दीवाना नबी दा परवाना है कहन लगा ऑफ उदों तक ऊंट ते बकरियां घर नहीं दाखल होणगियां जदों तक नबी पाक कोलों ना पुछ लिया जाए इत्थे बेटा गड्डी लेके आ जाए बाप सवाल नहीं करदा पुत्र कित्थों कमाए ते किवें लेके आया बेटा जनाब पैसे लेके आए बाप सवाल नहीं करदा बेटा चोरी ते नहीं करके आया डाका ते नहीं मार के आया तौबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह माफ फरमाए ऐसे ऐसे वालदैन वेखे ने बाप बेटा पैसे लेके आया बाप खुश हो जांदा मेरा पुत्र रुपये लेके आया रोटियां चर रही बकरे चर गए चर रहे उदों ही पता चलदा जदों दरवाजे ते आके पुलिस खलो जांदी है फरमांदे ने ऑफ उदों तक घर नहीं वड़ेगा माल जदों तक नबी पाक कोलों ना पुछ लिया जाए गए दोनों जाके बाप बेटा नबी पाक नू सारी बात सुनाई है ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने आका अली सलाम फरमांदे ने व मैयत तक अल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुक मिन हैसु ला यहतसिब व मैयत तवक्कल अल्लाह जेड़े बंदे अल्लाह ते तवक्कल अल्लाह ते भरोसा करदे ने अल्लाह उन्हां नू मुसीबत चो भी निकाल दिंदा है कैद चो भी निकाल दिंदा है अल्लाह उन्हां नू माल भी अता कर छड़दा है फरमाया माल अल्लाह दी तरफ मिले है तुहाडे ते हलाल है ओ मैयत दा किल्ला तवक्कल अल्लाह ते कर लो भरोसा अल्लाह ते कर लो अल्लाह दी कसमे ऐसे ऐसे मंजर भी साढ़े सारयां नाल होए कि बंदा घर दे अंदर फरमैश करके खाना पकवांदा है खाना सामने आया ते दरवाजे ते मेहमान आ गए खाना नसीब होया खाना नसीब
कदी बंदा खा लेना ते फौरन उल्टी आई ते निकल गया। ए मेरे रब दियां मर्जियां खाना ओही है जेदे उत्ते रब ने मोहर लगा दीती है। आइए हजरा तवक्कल अल्लाह ते कीजिए, भरोसा अल्लाह ते कीजिए, अल्लाह कदी जाया नहीं जे करेगा। आगे बढ़िए अगली चाबी दे जावा। फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा, एक तवक्कले ते एक तकवाए, तकवा डर अल्लाह दा परहेजगारी। जिस बंदे अंदर तकवा आ जाए अल्लाह कदी ओनू भुखिया मारदा। मस्जिद दे इमाम खादम कदी एहतजाज कीता कि साडी तनख्वाह बड़ी कम। मैं इस वास्ते अपनी गल नहीं कर रहा, हालात के तकवा अल्लाह को डरन वाले अल्लाह ना लौ लगाने वाले कदी शिकवा कर दे। क्यों तकवा ओ कर दे ने डर ओ रख दे ने ते रिजक अल्लाह दे छकदे। आगे बढ़िए तकवा भी इख्तियार कीजिए अगर रिजक अंदर फरावानी चाहते हो। फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा। फरमाया ओ बस्तियां वाले जेड़े मेरे ते ईमान ले आंदे ने मेरे कोलों डरदे ने मैं अल्लाह आसमाना तो रिजक दे दरवाजे खोल दिना। आसमाना तो भी रिजक जमीन दे विचों भी रिजक है। ते जिदों एही बंदे मेरियां ना फरमानियां करनियां शुरू कर दिंदे ने एही बंदे पे हयाई नूं फरोग दिंदे एही बंदे मेरियां बगावतां करनियां शुरू कर दिंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने फिर असी ऐसी पकड़ कर दियां के बंदा छुट सकदा फसे नहीं होए। फसे होए आं बेहयाई बुराई साडे मुल्क अंदर आम और उदा नतीजा सारे भुगत नहीं रहे। हर घर दे अंदर परेशानी दी वजह है। लफतहना अलैहिम अल्लाह फरमांदे ने एक खोल दिना दरवाजे रिजक दे जिदों मेरे कोलो डरना छड़ दिंदे हो ते मैं अल्लाह ए दरवाजे भी बंद करके ते पकड़ बड़ी सख्त करदा। रात ये वक्त गुजर रहा है आखिरी बात समझावा है। जनाब डरना तवक्कल भरोसा अल्लाह ते करो अल्लाह रिजक दियां फरावानियां दे छड़ेगा। अगली बात कसरत नाल हज उमरा करोगे। अल्लाह फरमांदे ने रिजक अंदर कमी नहीं होएगी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा हज ते उमरा पै दर पै करदा हज करदा है उमरा करदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन हज ते उमरे दी वजह नाल इहदे तो फकर भी दूर कर दिंदा है फकीरी भी दूर कर दिंदा है ते गुनाहां तो भी पाक कर छड़दा है। चाबी जे रिजक दी कुशादगी वास्ते के हज उमरा कीजिए दुआ कीजिए अल्लाह बैतुल्लाह दियां रौनकां बहाल करे ते असी मक्के मदीने जाइए। आगे बढ़िए अगली चाबी जनाब हजरत बिलाल याद आ गए रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन आए नबी पाक सल्लम खाना खा रहे ने सुबह दा खाना कि फरमाया बिलाल आ जा मेरे नाल बैठ के खाना खा ले। हजरत बिलाल फरमांदे ने सोने नबी जी मैं रोजा रखे आ। फरमाया बिलाल असी दुनिया ते खाना खा रहे तेरे सामने तेरा रिजक अल्लाह ने जन्नत दे अंदर तैयार कीता। आका फरमांदे ने बिलाल जेड़ा बंदा रोजेदार होए ते ओदे सामने कोई बंदा खाना खा रहा होए जिदों तक ओ बंदा खाना खांदा है ए रोजेदार दियां हड्डियां जेड़ियां ने इस बंदे वास्ते तस्बीह करदियां रहंदियां ने ते अल्लाह दे नूरानी मलाइका अल्लाह दे फरिश्ते इस बंदे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां करदे रहंदे ने। हज़रात आगे बढ़िए अगली चाबी दे जावां। आका अली सलाम ने फरमाया तालबे इलम दीन दा खादम दीन दा नौकर दीन दी तबलीग करने वाला है। अगर ओदी खिदमत करोगे ओदी रोटी रोजी दा बंदोबस्त करोगे अल्लाह तुहाडे माल अंदर इजाफा कर छड़ेगा। नबी पाक सल्लम दे कोल एक बंदा नबी पाक दी खिदमत करया करदा कुरान हदीस सिखदा नबी पाक दे कोल दो पाई ने एक न
नबी पाक दे कोले एक मजदूरी करके उस भाई का खर्चा चलांदा है। ओ पढ़दा है नबी पाक दी खिदमत करदा है, दीन दी खिदमत करदा है, दूसरा भाई कमा के घर दा खर्चा चलांदा है। एक दिन ओ मजदूर भाई ने नबी पाक कोल आके अपने इस भाई दी शिकायत कीती ते नबी पाक सल्लम फरमांदे ने यार तेनू नहीं पता शायद जेड़ा रब ने तेनू रिजक दिता एदी वजह नाल ही दे रहे। दीन दे हुफाज कुरान उलामा तुलाबा दी खिदमत करो अल्लाह रिजक अंदर इजाफे कर छड़ दे। आखरी बात नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दा दिता माल अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करो, अल्लाह घाटे पांदा। बजायर समझते हैं कि माल घट रहे है, लेकिन अल्लाह फरमांदे ने घटदा नहीं, मैं रब ने वादा कीते मेरे रस्ते अंदर खर्च तू कर दे 700 गुना तक बढ़ा के मैं रब दे छ। बंदे सोचते ने यार 500 दे विचों 250 रब दे राज दे दिता, मसीत नू मदरसे नू यतीम नू गरीब नू 250 बकाया रह गया, घट गया अकल दे हिसाब नाल घट गया, कुरान और हदीस की रूह नाल बढ़ गया। पता नहीं अल्लाह ने सदके खैरात की वजह नाल कितनिया मुसीबतां तेरे ते आईया रब ने टाल देनी। वमै यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब वमै यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु। फरमाया तवक्कल तक्वा अल्लाह को ते तुसी कर लो, रिज़क दे दरवाजे अल्लाह फरमांदे ने मैं खोल छड्डांगा, क्योंकि सारी कायनात दा राज़िक खालिक मालिक दाता दस्तगीर गंज बख्श अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह को लो दुआ है अल्लाह मेनू ते तुहानू कुरान सुन्नत नू समझ के सही मायने नाल अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।